देश में सीवरेज को साफ करने के लिए भारत सरकार मशीनों के प्रयोग को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव के तैयार होने के बाद सफाई कर्मचारियों को सीवरेज की सफाई करने से छुटकारा मिलेगा। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के चेयरमैन मनहर बालजी भाई झाला ने दी, जो कि लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मेरा दो दिन का दौरा चल रहा है, कल मैं करनाल था, आज कुरुक्षेत्र आया हूं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के नाते सभी सफाई कर्मचारियों की क्या हालत है, उनकी क्या समस्या है, वो उनकी रिव्यू मीटिंग कल भी आज भी है। तो मैंने यहाँ एक अच्छी बात ये देखते हैं, प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत मिशन, वो हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी ने, और कल भी बहुत बड़ी संख्या में 7 तहसील से लोग आए थे, जिलों से लोग आए थे, काफ़ी गैदरिंग थी वहाँ, 3-4 हज़ार लोग। तो कार्यशाला के रूप में सफाई के बारे में, कैसे सफाई के बारे में हमने वहाँ भी संदेश दिया था। आज भी हमारा कुरुक्षेत्र के में 4 जिले थे, और जब भी हमारा वो कार्यशाला समाप्त हुई, वहाँ भी हमें स्वच्छता के बारे में सफाई कर्मचारियों को संदेश दिया था। कौन कौन से जिले थे आज? यमुनानगर में, हरियाणा में जिस तरह स्वच्छ दिखता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से हमारे सुभाष चंद्र जी के दोनों को मैं अभिनंदन दूंगा, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को उसको प्रोत्साहन देकर, उनकी समस्या सुनकर, उनके साथ रहकर जिस तरह से काम करवा रहे हैं, तो काम दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है स्वच्छता का, और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा खट्टर जी ने किया है। कल मैंने करनाल में देखा, सीरो वुमन पुलिस स्टेशन, और जो ब्रिज है उनके नीचे भी काफ़ी पेंटिंग अच्छे से की गई है, उससे भी सुंदर लगता है। और हमारे कर्ण की जो स्टैचू लैक है, उन पर भी हम गए तो भी काफ़ी अच्छा काम करनाल में। और कुरुक्षेत्र में एक पवित्र भूमि है, तो इस पवित्र भूमि में आकर मुझे भी दिल से ऐसा लगा कि मुझे ये अवसर मिला। हिंद एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरी।